Hey guys, welcome to vBronze. My name is Ravi और ये हमारा 7th lecture tenses का. आज हम पढ़ेंगे future perfect tense. Last time हमने past perfect tense पढ़ा था और वो lecture कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया था. Otherwise आपका ये topic उसी lecture में complete रहता. So without wasting any time शुरू करते हैं future perfect tense. देखो future perfect tense की definition कहती है कि action that will be completed in future before a specific time or before another action takes place. इसको ऐसे समझते हैं. फ्यूचर में एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले जो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो कब हुआ है ये जरूरी नहीं है, बस वो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका है कब, एक स्पेसिफिक पॉइंट से पहले वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में आएगा. देखो इसको टाइमलाइन से समझते हैं. ये आपकी डॉटेड लाइन क्या है, प्रेजेंट है. इसके बाद आपका फ्यूचर है. अब फ्यूचर में, फ्यूचर देखो इतना सारा है. फ्यूचर में आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट लेना है. ये आपका हो गया स्पेसिफिक पॉइंट. मान लो ये आपके 10 बज रहे हैं, 10 AM, ठीक है, 10 AM टुमारो, अगले दिन के 10 बज रहे. तो इससे पहले, यहां से लेके प्रेजेंट से लेके इस फ्यूचर के बीच में कोई भी एक्शन कहीं भी हो जाएगा कंप्लीट, वो कंप्लीट हो चुका है इस पॉइंट से पहले हो जाएगा अगर वो, तो हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेंगे. वो कब होगा ये जरूरी नहीं. देखो एक एक्शन मान लो, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं. जैसे मान लो हम यहां से दिल्ली से और चंडीगढ़ जा रहे हैं बाई ट्रेन. अब रात को निकले, वो कल सुबह पहुंचेगी ट्रेन. तो मैं बोल रहा हूं कि कल सुबह 10 बजे से पहले पहले ये ट्रेन चंडीगढ़ पहुंच जाएगी, ठीक है. तो अब पहले कब पहुंचेगी, 9 बजे पहुंच सकती है, 8, 7 बजे, कितने बजे पहुंच जाएगी, लेकिन प्रेजेंट के बाद और उस स्पेसिफिक टाइम से पहले. तो उस स्पेसिफिक टाइम से पहले फ्यूचर में एक एक्शन हो चुका होगा, उसमें हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है. देखो प्रेजेंट परफेक्ट सेम ऐसे जैसे हमने, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट सेम ऐसे जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट देखा. देखो प्रेजेंट क्या आपका, प्रेजेंट एक आपका स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, क्षण भर. ये प्रेजेंट क्या होता है, जिसमें हम जी रहे हैं. तो ये एक मोमेंट होता है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. इससे पहले जो भी एक्शन होगा पास्ट में, जो भी एक्शन होगा वो कब हुआ है ये जानना जरूरी नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एक्शन हो चुका है, कंफर्म करता है ये. जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं ना, ये कंफर्म करते हैं कि ये एक्शन इससे पहले हो चुका है या नहीं हुआ है. तो अगर इससे पहले ये एक्शन हो गया है, कब हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं है, वो किसमें आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. अब मैं पास्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट ले रहा हूं, पास्ट में मैंने स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया. जैसे प्रेजेंट आपका एक स्पेसिफिक पॉइंट था, मैंने अब पास्ट में स्पेसिफिक पॉइंट लिया है. और इससे पहले जो भी एक्शन हुआ है वो कब हुआ है ये जरूरी नहीं है, बस इससे पहले हो चुका था, वो किसमें आएगा, पास्ट परफेक्ट में. इसी तरह से ये हमने फ्यूचर का टाइम लिया, 10 बज रहे, इससे पहले जो एक्शन होगा वो कब होगा ये जरूरी नहीं है, बस वो इससे पहले हो जाएगा, वो किसमें आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस. बहुत सिंपल है, ठीक है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं. देखो जैसे मैंने आपको अभी ट्रेन वाला एग्जांपल दिया था ना. देखो टुमारो बिफोर 10 AM, 10 बजे से पहले पहले आई विल हैव रीच दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच चुका हूंगा 10 बजे से पहले पहले, ठीक है. तो 10 बजे ये एक स्पेसिफिक पॉइंट टाइम बता दिया मैंने, टुमारो बिफोर 10 AM, ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गया. अब 10 बजे से पहले, तो 10 बजे से पहले 9 बजे भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है. हमने क्या बोल रहे, बिफोर 10 AM. अगर मैं यहां पे बिफोर की जगह एट लिख दूं, एट टुमारो एट 10 AM, तो मैं यहां पे परफेक्ट टेंस नहीं यूज करूंगा, आई विल रीच दिल्ली होगा, बस आई विल रीच दिल्ली, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है. इसको समझने की कोशिश करना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. अब मैं आपको एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक चीज बताता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम जो कॉमन वर्ड यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते थे, 10 वर्ड मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, सो फार, टिल, अंटिल, येट, जस्ट नाउ, जस्ट रिसेंटली, दीज डेज, ऑलरेडी, ऑलरेडी आपका सब में यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट. उसी तरह से आपके फ्यूचर परफेक्ट में एक वर्ड जो होता है हमेशा यूज होगा, वो एक ही वर्ड है, बाय द टाइम, ये वर्ड है, ठीक है. अब इसको ऐसे समझते हैं. देखो बाय, पहला ये वाला क्वेश्चन समझो आप, बाय 10 AM, 10 बजे तक, 10 वो 10 बज रहे हैं, 10 बजे तक कल, टुमारो आई विल हैव कंप्लीटेड टेंस, मैं टेंस कंप्लीट कर चुका हूंगा. तो वो कह रहा है कि 10 बजे तक, वो ये नहीं कह रहा कि 10 बजे मैं कंप्लीट कर लूंगा, वो कह रहा है 10 बजे तक, यानी 10 बजे से पहले पहले वो कंप्लीट कर लेगा. कब कर लेगा हमने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताने का तरीका होता है बाय, ये हमने पास्ट परफेक्ट में भी देखा था. तो बाय क्या बताता है, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलते थे ना टिल, इस टाइम तक, टिल नाउ, उसी तरह से हम पास्ट और फ्यूचर में यूज करते थे बाय, बाय 10 AM टुमारो, कल 10 बजे तक मैं ये टेंस कंप्लीट कर चुका हूंगा, ठीक है. ये टेंस कंप्लीट होने का काम कब होगा, इस फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम से पहले, कब होगा ये जरूरी नहीं है, वो हो चुका हो, तो इसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है. डिफिकल्ट जो है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये चीज है डिफिकल्ट.
बाय द टाइम यू विल कम आई विल हैव कंप्लीटेड टेंसेस। अब तुम इस वीडियो को पॉज करो और इन दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करो, ठीक है? देखो बाय की जगह पे बाय द टाइम आ गया, ठीक है। 10 एएम टुमारो की जगह पे आपका यू विल कम आ गया, ठीक है। इसने इसको रिप्लेस किया और बाय को रिप्लेस किया बाय द टाइम ने, बाकी का आगे का सेंटेंस सेम है, ठीक है। अब देखो जब भी आप फ्यूचर का स्पेसिफिक टाइम यूज करोगे ना तो उसके साथ बाय यूज होगा, और जब भी आप फ्यूचर का एक्शन यूज करोगे, ये आपका फ्यूचर का एक्शन है, उसके साथ आपका बाय द टाइम आएगा। ये हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो देखो बाय कब आएगा, एक फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम के साथ, और बाय द टाइम एक फ्यूचर के एक्शन के साथ। अभी हम फ्यूचर का एक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम से पहले एक एक्शन होगा तो हम क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कल सुबह 10 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, बाय ट्रेन जा रहा हूँ चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो दिल्ली पहुंच चुका हूँ, यानी 10 बजे से पहले पहले पहुंच जाऊंगा, ठीक है। इस एक्शन को मैं दूसरी तरीके से कैसे बता सकता हूँ कि कल 10 बजे तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, एक तो ये हुआ। दूसरा, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि शाम होने तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, या फिर मान लो मुझे स्टेशन पे मेरी फैमिली वाले मुझे लेने आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, जब तक मेरी फैमिली पहुंचेगी स्टेशन तब तक मैं दिल्ली पहुंच चुका हूँ, दो तरीके कहने के। या फिर हम कह रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम तक, बाय 10 एएम 10 बजे तक ये स्पेसिफिक टाइम मैं टेंसेस कर चुका हूँ, आई हैव कंप्लीटेड टेंसेस। या फिर बाय द टाइम यू विल कम, एक फ्यूचर का एक्शन, जब तक तुम आओगे मैं टेंसेस कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है नोट करने वाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोट करने वाली, वो ये है कि बाय द टाइम के बाद आपका विल नहीं आएगा कभी भी, आपका क्या यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट यूज नहीं होगा, आपका होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट यूज होगा। ये ऐसा पढ़ाया जाता है, और ऐसा क्यों होता है इसके लिए हमने सेंटेंस लिखे, इसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे सारा का सारा। देखो बाय ने आपका बाय द टाइम ने बाय रिप्लेस किया, बाय 10 एएम टुमारो 10 बजे तक मैं टेंस कंप्लीट कर लूंगा, 10 बजे से पहले पहले, ठीक है। बाय द टाइम यू विल कम, तुम्हारे आने से पहले पहले मैं टेंस कंप्लीट कर लूंगा। इसको देखो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब तक तुम आओगे मैं टेंसेस कंप्लीट कर चुका हूँ, एक। दूसरा ये, जब तक तुम आते हो यू कम, बाय द टाइम यू कम, जब तक तुम आते हो मैं टेंस कर चुका हूँ। अब इसको समझते हैं हम कि ये विल क्यों नहीं आता है, इसको अच्छे समझते हैं। देखो पहला समझो, द ट्रेन विल अराइव टुमारो एट 6:30 AM, 10:30 बजे आएगी, टुमारो लिखा है बट यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड ट्रेन अराइव टुमारो एट 6:30। देखो फ्यूचर का टाइम लगा है लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने विल नहीं यूज किया है, विल तो फ्यूचर में आता है, बट हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पे पढ़ा था। जिन लोगों ने पढ़ा होगा, मेरा लेक्चर देखा होगा, उनको पता होगा, या फिर जिनने टेंसेस पढ़ रखा है अच्छे से उनको भी पता होगा कि जो एक्शन रिपीटेड एक्शन है, जो एक्शन बार बार होते हैं। अब ट्रेन ऐसा तो नहीं कि बस कल आएगी, वो आज भी आई थी, कल भी आई थी, और आगे भी आएगी और रोज आएगी, वो उसका रिपीटेड एक्शन है, उसका टाइम टेबल है, वो उसी टाइम पे चलती है, उसी टाइम पे आती है, ठीक है। तो इन रिपीटेड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे स्कूल खुलता है तो स्कूल रोज उसी टाइम पे खुलता है, स्कूल स्टार्ट एट 8:30 AM, वो रोज उसी टाइम पे खुलता है, ठीक है। और ट्रेन उसी टाइम पे शुरू होती है, सन राइजेज, हम ऐसे नहीं बोलेंगे सन विल राइज इन द ईस्ट टुमारो, हम क्या बोलते हैं सन राइजेज इन द ईस्ट, वो रोज रोज वो एक्शन रिपीटेड एक्शन उसी टाइम पे होता है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे देखो सेकंड वाला, द ट्रेन विल लीव, यहाँ पे विल नहीं होगा, एट 6 AM, चाहे वो फ्यूचर में हो रहा है एक्शन, लेकिन फिर भी विल क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिपीटेड एक्शन है, रोज होता है, आज भी होगा कल भी होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला, PM विल विजिट और बी विजिटिंग, बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा, PM विल विजिट होगा या विल बी विजिटिंग होगा फ्रांस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक आपका फ्यूचर का टाइम है। तो देखो ना ही ये होगा ना ही ये होगा, यहाँ पे क्या होगा, PM विजिट्स फ्रांस नेक्स्ट वीक, अब देखो फ्यूचर में हो रहा है ये एक्शन, बट यहाँ पे हम फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तब यूज होता है, एक तो वो रिपीटेड एक्शन हो, दूसरा एक फ्यूचर का प्लान प्लस शेड्यूल्ड एक्शन, जिसके लिए जिसको हमने शेड्यूल कर रखा, शेड्यूल मतलब अब देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री में ऐसे तो नहीं है कि मुंह उठा के चल दिए, उनको क्या करना पड़ेगा, पहले हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को दूसरी कंट्री की फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, पूरा एक शेड्यूल होगा, पूरा शेड्यूल बनाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, उस टाइम टेबल के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर चलेंगे, और जब टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, जैसे ट्रेन आपकी टाइम टेबल के हिसाब से चलती है, प्लेन टाइम टेबल के हिसाब से चलता है, और पीएम विजिट टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे, तो आपका क्या यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पे विजिट आएगा, आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। देखो फोर्थ, आई विल मीट यू, अगर, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इफ अगर मैं आऊंगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, ऐसे बोलते हैं,
लेकिन अगर मैं आया तो तुमसे मिलूंगा, ये बोला जाता है। क्यों ऐसा क्यों है? देखो इफ आपका क्या है, कंडीशन। फ्यूचर में अगर दो एक्शन एक के बाद एक होते हैं तो उसके बाद ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं, ऐसा रटाया जाता है। लेकिन सही तरीका यह है कि फ्यूचर में अगर दो एक्शन एक के बाद एक हो रहे हो विद कंडीशन, विद पॉसिबिलिटी, ये आपकी इफ क्या है, इफ लगा दिया मतलब कंडीशन एक पॉसिबिलिटी है। अगर मैं आया, पॉसिबिलिटी है कि मैं आऊंगा नहीं आऊंगा। अब देखो ये पॉसिबिलिटी है इफ, और आप मुझे सोच के बताओ विल, आई विल कम, ये फ्यूचर का एक्शन है। फ्यूचर देखो पास्ट में एक एक्शन हुआ है वो तो फिक्स है कि हुआ है, प्रेजेंट में होगा तो वो तो हो रहा है वो भी फिक्स है, लेकिन फ्यूचर में जो एक्शन होगा वो भी तो पॉसिबिलिटी है। क्या चांसेस है हमारी गारंटी, मतलब फ्यूचर में तो किसी का वो नहीं है ना कंट्रोल, ये चीज होगी होगी, क्या पता वो चीज ना हो कल। तो फ्यूचर भी क्या है, विल भी आपकी एक पॉसिबिलिटी, फ्यूचर जो है आपकी पॉसिबिलिटी बताता है। तो विल भी पॉसिबिलिटी बता रहा है, इफ भी पॉसिबिलिटी बता रहा है, दो पॉसिबिलिटी एक साथ आ रही है। तो या तो आप विल रख लो या फिर इफ रख लो। अगर मैं इफ हटा दूंगा इसका मतलब होगा कि कल मैं आऊंगा और तुमसे मिलूंगा, लेकिन इफ अगर मैं लगा दूं तो यहाँ पे विल नहीं लगाऊंगा, इफ आई कम, अगर मैं आया तो तुमसे मिलूंगा। क्यों? क्योंकि दो पॉसिबिलिटी आ गई एक जगह पे और सुपरफ्लूस हो गया सेंटेंस, तो हम क्या करेंगे, एक हटा देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सारा चीज मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में टेंसेस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत अच्छे से बताया। इसको देखते हैं, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। ये अनलेस क्या है, एक कंडीशन, जैसे आपकी इफ कंडीशन थी मतलब पॉसिबिलिटी। तो अनलेस क्या है आपकी, अनलेस जब तक, कब तक, जब तक, ये आपकी क्या है पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी ये है, अगर इसमें हम विल जोड़ दे आगे तो दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एक ही सेंटेंस में दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो सुपरफ्लूस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे विल नहीं लगाया। देखो क्या है, यू विल नॉट सक्सेस अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, नहीं जब तक तुम मेहनत नहीं करते हो तब तक तुम सक्सेस नहीं मिलेगी। अभी सेंटेंस को देखो, एज सून एज, मैंने बताया था कुछ वर्ड्स हैं, क्या इफ हो गया आपका, एज सून एज हो गया, एज सून एज भी उसी में आ गया, अनलेस अंटिल, ये सारी क्या है कंडीशन। अगर ये फ्यूचर की कंडीशन है, फ्यूचर की होती है कंडीशन नॉर्मली, तो ये क्या बताती है, पॉसिबिलिटी बताती है। अब ये आपकी पॉसिबिलिटी बता रही है, एक पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के बाद आपने जस्ट एक और पॉसिबिलिटी जोड़ दी, तो दो पॉसिबिलिटी आ गई तो सुपरफ्लूस, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, विल नहीं आएगा। एज सून एज आई गेट द डिटेल, देखो अगर मैं विल जोड़ दूं इसका हिंदी में कैसे बोलेंगे हम, जैसे ही मुझे डिटेल्स मिलेगी, जैसे ही, कैसे, जैसे ही, जब तक मुझे डिटेल मिलेगी, और हमें नहीं पता कब तक मिलेगी, और मिलेगी दो चीज फ्यूचर में डाल दी हमने। इसको बोलते कैसे, तरीका क्या है इसको बोलने का, जैसे ही मुझे डिटेल मिलती है मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ऐसे नहीं कि जैसे ही मुझे डिटेल मिलेगी, वो गलत तरीका, ठीक है, इसको भी समझ लो। वो हमारे क्या है ना, हमने इस तरह से बोलते रहते हैं तो हमें गलत सही में अंतर नहीं पता चलता, क्योंकि हमें नहीं पता कि सही क्या बोलना है और गलत क्या बोलना है। ठीक है, अब इसको देखो सेवंथ वाले को, अब ये सेवंथ है, बाय द टाइम यू कम आई विल हैव कंप्लीटेड टेंसेस, ये यही सेंटेंस है, बाय द टाइम यू विल कम आई विल हैव कंप्लीटेड, ये मैंने लास्ट में लिखा है, और इसी एक सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने इतने सारे सेंटेंस यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, तो देखो बाय द टाइम, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से कंपेयर करो, बाय द टाइम यू कम, जब तक तुम आओगे, यू विल नहीं यूज किया मैंने, अगर मान लो यहाँ पे विल यूज होता, जब तक तुम आओगे, If I will come, अगर मैं आया, तो ये क्या है कंडीशन ही तो है, अगर मैं आया, और या जब तक तुम आओगे, कब तक आओगे नहीं पता, कब तक आओगे, लेकिन जब तक तुम आओगे, तो ये आपकी क्या हो गई, बाय द टाइम, ये आपकी एक कंडीशन, विल आपकी एक कंडीशन, इसलिए विल नहीं आया यहाँ पे, क्या है बाय द टाइम यू कम आई विल हैव कंप्लीटेड टेंसेस। इसी एक को समझाने के लिए मैंने इतने सारे सेंटेंसेस पढ़ाए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखो नॉर्मली पढ़ाया कैसे जाता है कि फ्यूचर में अगर दो एक्शन एक के बाद एक होंगे तो जो पहला एक्शन होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर फ्यूचर में दो एक्शन एक के बाद होंगे तो फ्यूचर में ही रहेंगे, अगर उनमें कंडीशन जगी हुई है। फ्यूचर में अगर दो एक्शन एक के बाद एक हो रहे हैं विद कंडीशन, तो जो पहला एक्शन होगा वो आपका किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों, वो चीज मैंने बताया कि सुपरफ्लूस हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा, बस हमने जरा सी चीज सीखी है उसको समझने के लिए हमने इतना सारा समझा है। हम ऐसे भी रट सकते थे कि फ्यूचर के दो सेंटेंस आएंगे तो एक को प्रेजेंट में रखना है एक को फ्यूचर में रखना है, रट लो इसको, लेकिन मैंने समझाया कि उसके पीछे का रीजन क्या है। ठीक है, तो अभी आपको इतना दिमाग में रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम बाय द टाइम यूज करते हैं। ठीक है, बाय द टाइम हमेशा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा, और बाय द टाइम के साथ जो आपका नेक्स्ट एक्शन होगा वो किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब हम फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको फुल कंसंट्रेशन के साथ 100% फोकस के साथ ध्यान से समझें। देखो
फ्यूचर से अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम में एसएससी में अगर फ्यूचर से क्वेश्चन आएगा ना, तो या तो किससे आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपका फ्यूचर की तरह काम करता है, या फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट से आएगा। और सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से आ सकता है वो क्या आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसको ध्यान से समझना। देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं। बाय 10 एम टुमारो, कल 10 बजे तक वी विल कंप्लीट परफेक्ट टेंस। 10 बजे तक हम परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लेंगे। अब वो कब करेंगे, हमने एग्जैक्ट टाइम ही बताया। अगर देखो बाय की जगह मैं एट लगा दूं ना, ये क्या आपका विल प्लस वी बना, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर मैं एट बोलूं, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे एक्शन होता है। अगर मैं बोलूं 10 बजे हम परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लेंगे तो ये एकदम सही होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि 10 बजे तक, 10 बजे से पहले पहले, एग्जैक्ट टाइम ही बता रहे हैं हम, और 10 बजे से पहले कब, 9 बजे 8 बजे एग्जैक्ट टाइम ही बताया, तो यहां पे क्या यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वी विल हैव कंप्लीटेड, ठीक है, वी विल हैव कंप्लीटेड परफेक्ट टेंस बाय 10 एम टुमारो। इसको आगे पीछे देख सकते हैं हम, सेकंड सेंटेंस में मैंने यही किया है, बाय 10 एम को मैंने ये जो है इस लाइन को पीछे रख दिया है सबसे एंड में, और यहीं पे ये चीज शुरू में थी, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। देखो बाय 10 एम को मैं क्या लिखता हूं, बाय दिस टाइम टुमारो, 10 एम को मैं दिस टाइम से रिप्लेस कर सकता हूं, मतलब कल इसी समय, अगर अभी 10 बज रहे तो मैं बोलूंगा कल इसी समय तक हम ये काम कर चुके होंगे, ठीक है, ये किसमें आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब सेकंड क्वेश्चन सेम ऐसे ही फर्स्ट की तरह, बस ये चीज मैंने यहां पे रख दी है। देखो दे विल लैक फॉर अंबाला, ये क्या है, विल प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, विल प्लस वी वन फॉर अंबाला बाय दिस टाइम टुमारो, इस समय तक, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कब तक, मतलब इस समय से पहले पहले वो अंबाला जा चुके होंगे, अंबाला के लिए निकल चुके होंगे, तो यहां पे क्या यूज होगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, दे विल हैव लेफ्ट, और जो लेफ्ट है वो आपकी वी थर्ड फॉर्म है, लीव की सेकंड फॉर्म क्या होती है लेफ्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है लेफ्ट, दोनों सेम होती है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ही विल रिपेयर द कार, यहां पे बाय दिस टाइम टुमारो था, हमने क्या लिख दिया यहां पे, फ्यूचर इंडेफिनिट, बाय द टाइम वी विल रिटर्न, जब तक हम लौटेंगे ना, जब तक हम लोगे, बाय द टाइम मतलब था जब तक, हमने एग्जैक्ट टाइम बताया, जब तक हम लौटेंगे मतलब हमारे लौटने से पहले पहले वो काम कर चुका होगा, रिपेयर कर चुका होगा वो कार को, तो यहां पे आपका विल रिपेयर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये कब आएगा अगर हम यहां पे यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम, लेकिन हमने फ्यूचर का एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, हमने बताया उससे पहले पहले हम एक एक्शन कर चुके होंगे, तो यहां पे क्या होगा, वी विल हैव रिपेयर्ड ईडी वी थ्री, ठीक है, वी विल हैव रिपेयर्ड द कार बाय द टाइम वी विल रिटर्न। अब बताओ यहां पे विल आएगा नहीं आएगा, सोचो, पॉज करके सोचो, यहां पे विल आएगा नहीं आएगा, देखो इसको अच्छे से समझो, ये आपका प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो है मैंने प्रेजेंट बनाया, इसके बाद आपका सारा फ्यूचर है, सारा फ्यूचर है। अब देखो बाय द टाइम, जब तक हम लौटेंगे, जब तक फ्यूचर में, जब तक हमें नहीं पता फ्यूचर में कब लौटेंगे, इतने सारे कहीं कभी भी लौट सकते हैं, और विल क्या बताता है आपका, पॉसिबिलिटी, फ्यूचर के एक एक्शन बताता है कि हम, जैसे मैं अगर एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, कब खेलूंगा मैंने नहीं बताया, खेलूंगा फ्यूचर की एक पॉसिबिलिटी है, तो आई विल प्ले क्रिकेट पॉसिबिलिटी हुई, और बाय द टाइम, बाय द टाइम क्या है, जब तक हम लौटेंगे फ्यूचर में, जब तक, तो फ्यूचर का हमें ये नहीं पता, तो दो हमने पॉसिबिलिटी लगा दी है एक साथ, इसलिए यहां पे विल नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय द टाइम वी रिटर्न। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब ये क्वेश्चन है ना, मेरा पेन भी यार बंद हो गया, ये क्वेश्चन है ना, इसमें वैन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में पास्ट परफेक्ट टेंस के लेक्चर में बताया था कि पास्ट परफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वैन, और फ्यूचर परफेक्ट में भी हम वैन को समझेंगे, लेकिन ये लास्ट में समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये देखो, बाय द टाइम यहाँ पे लास्ट में था, और ये मैंने यहाँ पे शुरू में लगा दिया, बाय द टाइम ट्रेन स्टार्ट वी विल हैव रीच द स्टेशन। अब देखो हमने क्या समझा था अभी, कि बाय द टाइम के साथ हम विल नहीं यूज करते, तो हमने यहाँ पे विल नहीं यूज किया है, देखो हमने यहाँ पे विल यूज किया था और ये गलत हो गया, और हमने समझा कि बाय द टाइम के साथ विल क्यों नहीं आता है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी आपको, आई होप समझ आ गया होगा, तो यहाँ पे हमने विल नहीं यूज किया, तो ये तो सही है यहाँ तक। अब देखो वी विल हैव रीच द स्टेशन, यहाँ पे हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया है, एकदम सही है, बाय द टाइम के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है, ये कहने का चाह रहा है कि जब तक ट्रेन शुरू होगी हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, तो एकदम सही है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करो और इन दो सेंटेंसेस को कंपेयर करो और बताओ इसमें एरर क्या है, ठीक है। अब मैं बताता हूं, बाय द टाइम ट्रेन स्टार्टेड, जब तक ट्रेन शुरू हुई थी, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट हो गया, ये कह रहा है ट्रेन एक पास्ट में एक पर्टिकुलर पॉइंट में ट्रेन स्टार्ट हुई थी, उससे पहले हम स्टेशन पहुंच चुके थे,
और ये क्या बोल रहा है, हम पहुंच चुके होंगे। ये पास की चीजें तो आगे भी पास में रहेगी, ऑब्वियसली चीजें देखो पास में शुरू हुई, पास से अगर ये सेंटेंस शुरू हुआ आगे भी पास में रहेगा, तो विल हैव स्टार्टेड नहीं हुए, विल हैव रीच नहीं हुआ कि जब तक ट्रेन शुरू हुई थी हम पहुंच चुके होंगे। यहाँ पास चल रहा है वहां फ्यूचर, ये कह रहा है जब तक ट्रेन शुरू हुई थी हम पहुंच चुके थे, ट्रेन के शुरू होने से पहले ही हम पहुंच चुके थे बाय द टाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वी हैड रीच द स्टेशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि बाय द टाइम आपका फ्यूचर में भी यूज हो सकता है और बाय द टाइम आपका पास में भी यूज होता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों क्वेश्चन एक साथ रख के समझाए। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छे से। अब देखो थर्ड क्वेश्चन समझते हैं, ये बहुत इजी है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, मतलब आसानी से समझ आएगा, इजी हार्ड तो जैसे कुछ होता नहीं है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव ग्रेजुएटेड। अब देखो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको पता है कि आप कब तक ग्रेजुएशन कर लोगे, तो आप अंदाजे से कह रहे हो कि अगले साल इसी समय तक मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, कोई गलती नहीं है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, उसी तरह से ये लिखा हुआ भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी यार देखो फोर सेंटेंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं लिख देता हूँ आई, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला सेंटेंस। देखो बाय 10 AM टुमारो या बाय दिस टाइम टुमारो, दोनों चीज सेम ही है। बाय 10 AM टुमारो ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, कल 10 बजे से पहले पहले ट्रेन शुरू हो चुकी होगी। यहाँ पे विल यूज किया हमने, देखो इस विल को अभी समझते हैं। इस क्वेश्चन को आप मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन सही है नहीं है, उससे पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन समझा देता हूँ, फिर हम इसको समझेंगे। ठीक है, देखो एट 10 AM टुमारो, 10 बजे, एट लगाया मतलब स्पेसिफिक टाइम, बाय मतलब 10 बजे से पहले पहले, यहाँ पे हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे, तो 10 बजे एट 10 AM टुमारो, कल 10 बजे ट्रेन विल स्टार्ट होगा, क्या ट्रेन शुरू होगी। सुनने में तो सही लग रहा है कि 10 बजे कल ट्रेन शुरू होगी या ट्रेन निकलेगी, सुनने में सही लग रहा है, लेकिन देखो ये स्पेसिफिक टाइम है 10 AM और ट्रेन का जाना ये ऐसा नहीं कि बस कल जाएगी ट्रेन, जैसे आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, लेकिन ये क्या है, ये ट्रेन का रिपीटेड एक्शन है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत अच्छे से समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए यूज होता है, जैसे रिपीटेड एक्शन है आपके, सूरज का उगना आपका रिपीटेड एक्शन है। ट्रेन का जाना, ट्रेन ऐसा नहीं है कि आज ही जा रही है, वो रोज जाती है और उसी समय पे जाती है, उसका एक फिक्स टाइम है। स्कूल का खुलना, स्कूल खुलता है सुबह 8 बजे खुलता है, तो आज भी इसी टाइम पे खुलेगा, कल भी इसी टाइम पे खुलेगा, और रिपीटेड एक्शन है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, रिपीटेड एक्शन जो होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, हमने बहुत अच्छे से समझा था, ये मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था। तो यहाँ पे आपका विल नहीं यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, एट 10 AM टुमारो, कल 10 बजे ट्रेन चलेगी, बस ट्रेन स्टार्ट, यही बता रहा है कि ट्रेन का समय जो है वो 10 बजे का है, ट्रेन 10 बजे चलती है। तो ये कह रहा है फ्यूचर के एक्शन को भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से शो कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको कोशिश करी समझाने की। अब बताओ मुझे जो मैं पूछना चाह रहा था ना, देखो हमने यहाँ पे विल नहीं यूज किया है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बाय 10 AM टुमारो ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, यहाँ पे मैं विल यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मना कर रहा हूँ कि यहाँ पे विल नहीं आएगा, और यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे आएगा, ऐसा क्यों। देखो ये तो रिपीटेड एक्शन है ट्रेन का, और ये भी तो रिपीटेड एक्शन है ट्रेन का, ट्रेन रोज इसी टाइम पे जाती है, तो यहाँ पे मैं विल क्यों यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे पता है कि ट्रेन का टाइम जो है 10 बजे का, देखो एट 10 AM टुमारो 10 बजे ट्रेन जाएगी, एग्जैक्ट है। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि 10 बजे से पहले पहले ट्रेन जाएगी, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है 10 बजे से पहले पहले कब जाएगी वो, अगर मुझे एट लगा दूं यहाँ पे मैं, तो ये सेंटेंस मतलब तब ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एट नहीं लगा, यहाँ पे क्या लगा, बाय 10 बजे से पहले पहले ट्रेन जा चुकी होगी, शुरू हो चुकी होगी, कब होगी हमने एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो ये वाला बिल्कुल सही है। बाय 10 AM टुमारो ट्रेन विल हैव स्टार्टेड, 10 बजे तक ट्रेन शुरू हो चुकी होगी, ये एकदम सही है। नीचे वाला आपका गलत है, एट 10 AM टुमारो ट्रेन स्टार्ट, ये ट्रेन का जाने का समय है 10 बजे का, और ट्रेन इसी टाइम पे जाती है, तो हम क्या बोलेंगे, एट 10 AM टुमारो, कल ट्रेन इसी समय जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे विल नहीं यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है। अब देखते हैं वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैसे पॉइंट था, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले चैप्टर में भी इसको बहुत अच्छे से समझाया और मैंने यहाँ पे भी दोबारा समझा दिया इसको। अब देखो इस वाले को देखते हैं, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैव लिव्ड इन चेन्नई फॉर 6 ईयर। मान लो अभी आपका मई 2019 चल रहा है, तो वो कह रहा है इसी समय अगले साल 2020 मई तक मैं 6 साल रह लूंगा, रह चुका होऊंगा 6 साल चेन्नई में। ठीक है, तो ये गैप कितना आपका, 1 साल का गैप है। ठीक है, इस टाइम पे उसको 6 साल हो जाएंगे चेन्नई में रहते हुए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अभी 5 साल हो चुके हैं उसको, अभी वो सिर्फ चेन्नई में रहते हुए 5 साल हो चुके हैं, और अगले साल वो 6 साल हो जाएंगे उसको चेन्नई में रहते हुए, इसका मतलब वो अभी भी चेन्नई में रह रहा है।
मैं बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझा रहा था तुम्हें कि वो अभी भी चेन्नई में रह रहा है और कंटिन्यूअसली रहेगा आगे चेन्नई में 2020 मई तक, ठीक है। तो ये हमने कैसे यूज कर लिया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह भी यूज हो सकता है, इसलिए आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अब यूज नहीं होता है, वो मतलब हटा दिया है, अब वो है नहीं ग्रामर से, हटा पूरी ग्रामर से हटा दिया गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो मैं आपको इसी चीज को दूसरे तरीके से समझाता हूं, अगर यहां पे ईयर की जगह मंथ होता मान लो, इसको समझने की कोशिश करना ठीक है, इमेजिन करना जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सोच रहा हूँ। अभी 2019 ठीक है, उसे यहाँ पे 2020 में उसको कितने महीने हो जाएंगे, छह महीने हो जाएंगे उसको, और ये डिफरेंस कितना है इसके बीच का 2019 से बीच का, एक साल का डिफरेंस है। अब मुझे बताओ इसका सेंटर क्या होगा, मतलब मई 2019 से मई 2020 के बीच का सेंटर क्या होगा, मई यानी फिफ्थ मंथ, पांचों महीने है, तो हमें पांच में छह जोड़ना है 11 यानी नवंबर, ठीक है, यहां पे नवंबर। अगर वो नवंबर से रहना शुरू करेगा तब मई में जाके उसके छह महीने होंगे चेन्नई में, यानी वो अभी चेन्नई में नहीं रह रहा है, बस ये कॉन्सेप्ट बताता मैं तुझे, तुम्हें मतलब अगर ये सिक्स ईयर है ना, ये जो टाइम है सिक्स ईयर का, ये इस गैप से बड़ा है, तो यानी वो अभी भी रह रहा है और कॉन्टिन्यूसली रहेगा इस टाइम तक। लेकिन अगर ये सिक्स ईयर का गैप छोटा है आपके इस वन ईयर से, इसलिए मैंने यहाँ पे सिक्स मंथ लिया, तो यानी वो अभी नहीं रह रहा है, नवंबर से लेके मई तक वो रहेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आप इसको एक बार ना खुद से ड्रॉ करके देखना, बनाना इसको ऐसे करके, तब आपको ज्यादा चीज समझ आएगा। अब हम इसको समझते हैं वैन को, ये वैन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखो क्या है, शी विल हैव डन हर होमवर्क व्हेन वी विल अराइव, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कम से कम आपको 6-7 एग्जाम्पल बताऊंगा, तब जाके आपको ये पॉइंट समझ आएगा। देखो अब ऑल द स्टूडेंट, ये मैंने लास्ट अपने लेक्चर में ये समझाया था, लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलता कि उस लेक्चर में जाके देख लो तो मजा नहीं आता इतना, लेकिन यहीं पर समझेंगे इसको। देखो ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, सब जो छात्र थे स्टूडेंट्स वो खड़े हो गए, कब, जब टीचर एंटर हुआ। तो मुझे बताओ स्टूडेंट खड़े हुए हैं और टीचर एंटर हुआ है, ये दोनों काम एक साथ हुए एक ही टाइम पे, राइट। अब जो काम इमीडिएट हुए एकदम हुए बिल्कुल एक ही टाइम पे हुए, वो दोनों को दोनों किस में रहेंगे, पास्ट में रहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसा नहीं किया हमने कि ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप व्हेन द टीचर हैड एंटर्ड, क्योंकि पहले टीचर आया है और हम क्या पढ़ते हैं, जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, क्योंकि ये एक्शन पहले नहीं हुआ है, ये दोनों एक्शन एक साथ हुए, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, दोनों में पास्ट इंडेफिनिट यूज किया है। अब सेकंड देखो, ही वोक अप व्हेन ही हर्ड द साउंड ऑफ अलार्म, पहले अलार्म बजा तब वो उठा हुआ, ऑब्वियसली बात है, तो हमने यहाँ पे ही हैड हर्ड नहीं किया, पास्ट परफेक्ट नहीं किया है, हमने क्या यूज किया, वो उठ गया जब उसने अलार्म सुना, ये दोनों काम एक ही साथ हुए, जैसे ही अलार्म बजा वो वैसे ही उठ गया, अलार्म की आवाज सुनी उसने तभी तो वो उठा है ना, तो ये दोनों काम एक साथ हुए। अब देखो ये व्हेन आई सॉ हिम, मैंने जब उसे देखा उसने भी मुझे देखा, तो ये बताओ जैसे मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तुमने मुझे देखा, इसमें कितना टाइम लगा होगा, लाइट की स्पीड से ही काम हुआ है, ठीक है, तो ये काम दोनों एक ही टाइम पे हुए। अब जब दोनों काम एक ही टाइम पे हुए इमीडिएट हुए, ऐसा नहीं है कि देखो आई सॉ हिम ही टू सॉ मी, पहले मैंने उसको देखा होगा फिर उसने मुझे देखा, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे ये नहीं करूंगा व्हेन आई हैड सीन हिम, मैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि ये दोनों एक्शन एक साथ हुए, बहुत ही स्पीड से हुए एक ही साथ, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे यहाँ पे, पास्ट इंडेफिनिट दोनों में। देखो इसको ध्यान से समझो, ये जो दोनों काम हुए ना ये एक साथ हुए एक ही पॉइंट में, पास्ट के एक स्पेसिफिक पॉइंट में। अब मुझे बताओ कोई एक्शन पास्ट में स्पेसिफिक पॉइंट पे हो रहा है तो किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और जब ये दोनों ही एक्शन एक साथ हुए हैं पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट में तो दोनों किस में होंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए दोनों पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक एक्शन आपका पास्ट परफेक्ट में दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। द ट्रेन लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पे पहुंचे पास्ट में एक टाइम पे स्टेशन पे पहुंचे, ट्रेन उस समय चली गई, उसी समय गई है। अभी दोनों एक्शन अगर एक साथ हुए हैं, इमेजिन करो तुम स्टेशन में पहुंचे हो, जैसे तुम स्टेशन में पहुंचते हो तुमने देखा वो ट्रेन निकल गई, सामने से निकली है, तो तुम क्या यूज करोगे, द ट्रेन लेफ्ट व्हेन वी रीच द स्टेशन, यहाँ पे तुम दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हो, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों, क्योंकि दोनों काम एक साथ हुए। अब देखो सेकंड सेंटेंस, इसको भी मेरे साथ इमेजिन करो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, इसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज कर रहे हैं, व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन में पहुंचे ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, पहले चली गई थी, ऐसा हो सकता है ना कि तुम लेट पहुंचे और ट्रेन पहले चली गई थी 10-15 एक घंटे पहले चली गई थी, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज होगा, इसलिए क्या होता है ना, व्हेन, ऐसे केसेस में आप
बता ही नहीं सकते कि आप पास्ट इंडेफिनिट यूज करोगे या पास्ट परफेक्ट, क्योंकि वैन के साथ यहाँ पे आप दोनों यूज कर सकते हो। अगर तुम इमेजिन करोगे तो पास्ट परफेक्ट भी सही है और पास्ट इंडेफिनिट भी सही है, क्योंकि दोनों पास्ट इंडेफिनिट मतलब दोनों एक्शन एक साथ हुए, और पास्ट परफेक्ट मतलब तुम पहले ट्रेन पहले जा चुकी है और तुम लेट पहुंचे, और तुम दोनों अगर एक साथ पहुंचे, तुम एक साथ पहुंचे और ट्रेन उसी समय निकल गई, तो तुम पास्ट इंडेफिनिट यूज करो। इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो इसी सेंटेंस को, अब ये समझा, ये वाला सेंटेंस समझा था तुम्हें, इसके लिए ये वाला सेंटेंस लिखो, लास्ट सेंटेंस है, आई विल प्ले क्रिकेट व्हेन यू विल कम। इसको भी इमेजिन करो, मैं क्रिकेट खेलूंगा जब तुम आओगे, मैंने तुमसे कहा कि तुम आओगे, जब तुम आओगे तभी मैं खेलूंगा। ये दोनों काम एक साथ होंगे, तुम्हारे आने का और गेम खेलने का काम एक साथ शुरू होगा, इमीडिएट एक्शन है। तो यहाँ पे जब दोनों काम एक साथ होंगे तो हम इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, अगर फ्यूचर में हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट है और पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहा हूँ मैं, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट व्हेन यू विल कम। यहाँ पे भी मैंने व्हेन यूज किया है, यहाँ पे भी व्हेन यूज किया और यहाँ पे भी व्हेन यूज किया है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इमेजिन करो, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम आओगे मैं उससे पहले क्रिकेट खेल चुका हूंगा, तो व्हेन आपकी दोनों चीजें बताता है, परफेक्ट एंड इंडेफिनिट। इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो ये अगर आप ये सेंटेंस समझ गए हो तो इस सेंटेंस को समझते लास्ट में, ये इस सेंटेंस को समझाने के लिए, बस इस सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने तुम्हें इतने सारे सेंटेंस दिए हैं। अब इसको देखो, शी विल हैव डन हर होमवर्क व्हेन वी विल अराइव। जब हम पहुंचेंगे वो अपना काम कर चुकी होगी। अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, जस्ट इसको हटा दूं, इसकी जगह मैं लिख दूं बस डू, विल प्लस डू, विल प्लस वी वन, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। शी विल डू हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क करेगी जब हम पहुंचेंगे तभी करेगी वो, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैन के साथ ये याद रख लो कि वैन के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दोनों यूज हो सकते हैं, जैसे आपके वैन के साथ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट दोनों यूज होते हैं, ठीक है। बस यही समझाना था आज। अब देखो ये मैंने शुरू से लिखा हुआ है वीडियो पे, इसमें मैंने समझाया नहीं, इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन दे रखी है, आप इसको पढ़ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, सारे के सारे सेम है, ठीक है। देखो अब एक चीज बताता हूँ आपको, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। यहाँ पे मैंने इन फ्यूचर नहीं लिखा, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने लिखा है एक्शन दैट वॉज कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। यहाँ पे मैंने पास्ट लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है ये मुझे कमेंट में बताओ, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपका एसएससी में नहीं आने वाला। तो अभी इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे, ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया कंप्लीट। परफेक्ट टेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो इंडेफिनिट और परफेक्ट टेंस, यही दोनों होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो परफेक्ट टेंस को आप मैंने सारे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, इनको आप अच्छे से समझना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और वो बस एक ही लेक्चर होगा, एक लेक्चर में सब कुछ खत्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा, मैं उसको कंपैरिजन भी करूंगा साथ साथ में परफेक्ट टेंस का विद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दिस इज रवि साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।